कभी करते रहो, सुबह से शाम हो जाती है, काम ढूंढते रहो, काम करने वाले को काम मिलता रहता है। मैं तो पूरा दिन लगी रहती हूँ, अभी मेरा काम दिन का खत्म हो गया, अब शाम का शुरू हो गया। दो चार बर्तन पड़े थे वो कर रही हूँ, सब्जी बनाऊंगी, सोचा आपके साथ चलो शेयर कर। तो बस दो चार मैंने बर्तन किए, फिर मैं बनाऊंगी डिनर और बनाना शेक बनाया चाय के टाइम पर, जो ठंडा पीते हैं, थोड़ा सा बना के रखा, दूध गर्म किया, बस डेली के ये काम है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ कर रही हूँ। छोटे छोटे काम है, किचन की डीप क्लीनिंग की वापस से, क्योंकि गंदी हो जाती है बहुत ज्यादा। और हमेशा मैं घी घर का बनाती हूँ, और मैंने बनाया घी गाय का, ये देखो कितना अच्छा घी है। हम घर का ही घी खाते हैं, मैं बच्चों को भी घर का ही देती हूँ जितना बन पाता है मेरे से, और हम खुद भी घर का ही खाते हैं, तो यहाँ ठीक ठाक दूध आता है, एकदम बढ़िया घी रहता है, देसी घी गाय का है, तो इसको कहते हैं कि काफी हेल्दी होता है। तो मैंने बनाया घी, और थोड़ी सी मैंने काफी दिन से क्रोकरी अंदर रख रखी थी, अब थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, फेस्टिवल आने लग गए तो चीजें बना बना के रखते हैं, तो मैंने क्रोकरी बाहर निकाली, उसकी आज मैंने किचन में सेटिंग की, थोड़ी सी उसके लिए स्पेस बनाया। मुझे खाली किचन अच्छी लगती है, पर मैं मेरे बर्तन रखे रहते हैं तो मुझे वो भी परेशान रहते हैं कि मेरे बर्तन मुझे यूज नहीं होते, और फिर भी चलो आज मैंने उसके लिए अच्छी सी एक स्पेस बनाया, और उसको क्रोकरी को, थोड़ी सी क्रोकरी को मैंने बाहर निकाला। जैसे सूखी सब्जी बनती है, चटनियाँ बनती है, खाने के लिए मिठाइयाँ कुछ बनता है, मिर्च वगैरह, तो सब वो फिर क्रोकरी में ही अच्छी लगती है, वो ख़राब भी नहीं होती। स्टील में ये ऐसी चीज़ें नहीं रखी जाती। अभी तो घेवर फीनी इनका सीजन है, तो ये आती रहती है घर में, काजू कतली, तो ये और कोई आ जाता है तो फट से बाहर निकालो अपनी क्रोकरी किचन में से और सर्व कर दो। तो देखो कितने दिन रखती हूँ, फिर किचन मुझे भरी भरी से लग जाती है, फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी कि किचन मेरी भरी तो नहीं है, मुझे ज़्यादा लगती है भरी, पता नहीं प्लेटफार्म काउंटर और ये सब मैं कैबिनेट ज़्यादा नहीं भरती हूँ, मुझे घबराहट होने लग जाती है, मुझे खाली खाली चाहिए होते हैं। तो मैंने खूब अच्छा सा आधा किलो घी से ज़्यादा ही बन गया आज, 10 दिन की मलाई थी, थोड़ा सा ही कम रहा, आधा किलो से मतलब आधा किलो से ज़्यादा बना है, कम नहीं है। तो एक बार में और मेरा ये 2 किलो का एक डिब्बा है, दूसरी बार मैंने इसमें डाला है, एक बार में और ये मेरा पूरा भर जाएगा स्टील का डिब्बा। फ्रीजर में रख देती हूँ तो इसमें घी बन जाएगा। ये मैंने देखो यहाँ पर अपनी क्रोकरी रखी है इस तरह से, सारे बाउल उनके पीछे है, कप वगैरह गिलास, और ये देखो ये प्लेटे, ये देखो सारी क्रोकरी मैंने इस तरह से यहाँ पर ये जमाई है। बस किचन में तो पूरे घर में किचन में तो मैं करती रहती हूँ डेली, ये इधर थोड़ा सा डेकोरेट किया इधर से, क्योंकि मैंने एक क्रोकरी की रहकर बाहर निकाल ली, तो इधर से मैंने ये सारे अपने कप उठा दिया, डेकोरेट कर दिया। और डेली यूज के तो मेरे मग्गा, कॉफी मग यहाँ रहते ही हैं ये वाले,
और अब मैं बनाऊंगी सब्जी। इसको मैंने खाली किया, इसमें मैंने घी बनाया था, तो इसमें मैं बनाऊंगी अभी सब्जी। चलिए फिर बनाती हूँ। देखो इतना सारा मेरा घी हो गया, कितना बढ़िया घी है घर का, ये अब की बार भर जाएगा। अभी मैं दाल बनाऊंगी और मैं बनाऊंगी ये सेम पनीर। हमेशा मैं रात को दो सब्जी बनाती हूँ, एक सूखी सब्जी और एक दाल, तो वो सूखी सब्जी सुबह भी काम आ जाती है ये, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह ही नाश्ता और लंच एकदम करके ये जाते हैं, तो इसलिए मुझे सब्जी चाहिए। नहीं तो कभी कभी मैं सुबह भी बनाती हूँ दिक्कत, और ये इस तरह से मैं दो सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन में दो ही टाइम खाना खा जाता है, तो शाम को अच्छा सा खाना होना चाहिए, और 8:30 बजे तक हम खा भी लेंगे। और बस अब मैंने घी डाल दिया, घी आपको दिखाया, और फिर मैंने सोचा कि आपके साथ चलो, और ये चुन्नी से ढकती हूँ मैं, मुझे छोटे छोटे, इन दिनों में ना कितना भी केयर कर लो, मैं खूब छिड़काव करती हूँ, पर बहुत छोटा मच्छर है जो बहुत ज्यादा काटता है, मुझे काटते बहुत ज्यादा है, तो मैंने इस तरह से अपनी शॉल की तरह चुन्नी को लगाया, अब मुझे मच्छरों से बचाव हो जाएगा, मुझे मच्छर बहुत ज्यादा खाते हैं। अभी आप सबके यहाँ मच्छर हो रखे होंगे, चाहे कितना भी केयर कर लो घर में, वो बारीक बारीक मच्छर आ ही जाते हैं हमेशा। और एक मैंने कल डाली थी, आपको एक कंटेनर दिखाया था DIY करके, अब तो आप डेली कुछ न कुछ आप मैं देखोगे, कुछ कुछ बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैंने सोचती हूँ कि डेली रूटीन का भी जो भी मैं वर्क करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ, तो मैंने ये हल्की फुल्की सी है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर सोचा चलो मैं आप लोगों को मिस कर रही थी और इच्छा हो रही थी कि चलो ये भी शेयर कर देती हूँ, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। तो आप बताना मेरी क्रॉकरी किचन की सेटिंग कैसी लगी, हमेशा चेंज करती रहती हूँ, ये तो मेरी आदत है, पता नहीं इसको कितने दिन रखूंगी, और मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मुझे खुशी होती है, मैं खुद ही खुश हो जाती हूँ। वैसे तो सभी तारीफ करते हैं, मेरे घर वाले, परिवार वाले, आप लोग सब, पर मुझे अच्छा लगता है। अब मैं सब्जी बनाऊंगी, इसको मैंने पहले ही धो लिया था, इसको मैं प्याज बिल्कुल नहीं डालती, एक जीरा आता है गढ़ वाली जीरा, इसके बिना मुझे बिल्कुल भी सब्जी अच्छी नहीं लगती, ये है, ये बहुत अच्छा आता है दांतों में, अगर ये नहीं है तो राई डालो, मैं प्याज नहीं डालूंगी, मैं बिना प्याज की बनाऊंगी, तो ये भी बहुत अच्छी बनती है। बस जीरा तड़क जाएगा, और हमेशा की तरह बस खुशबू के लिए मैं इसमें क्या डालती हूँ, एक लहसुन की कली, सूखी सब्जी से बहुत अच्छी बनती है, और खुशबू बस अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है, लहसुन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये एक कली डालती हूँ तो अच्छी लगती है, इस तरह से मैं इसमें सिर्फ एक कली डालती हूँ, वो काफ़ी है इसके अंदर।
और एक मेरा विचार दयालुता, मतलब दयालु होना। दयालुता ऐसी चीज है हमारे अंदर, हमें दिखानी ऐसी दयालुता, ऐसे दिखाना है किसी को। अगर कोई बधिर है कानों से बहरा तो वो भी महसूस करता है, और दृष्टिहीन है तो वो भी एहसास करता है, महसूस करता है कि हाँ ये मुझे दयालुता की नजरों से देख रहा है। ये आज का मेरा एक बहुत अच्छा सा विचार था, तो आप बताना मेरा ये विचार आपको कैसा लगा। और एक और प्रेरणा भी बताऊंगी, तो मैं अभी थोड़ा सा सब्जी का थोड़ा सा ढक वगैरह दू। अब मैं बनाऊंगी रायता। रायते में मैंने सूखी भूननी है बिना ऑयल के, तो राई भूनूंगी और एकदम फ्रेश पिसा हुआ राई और जीरा एकदम ताजा भून के पीसो तो बहुत अच्छा लगता है। और रायते में डालेंगे हींग खुशबू के लिए। ये भून जाएगा ना तो ये बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो ये अभी भून गया। अब मैं रायते में डालूंगी, तो रायता आपको मैं दिखाऊं। अभी मेरी बूंदी खूब अच्छी तरह से, देखो इसका जितना भी तीखा मसाला ऑयल होता है ना, गर्म पानी में डाल दो 5 मिनट के लिए तो सारा निकल जाता है, तो ये हमें नुकसान नहीं देती है। एकदम से इसका सारा ऑयल निकल गया, धुल गई, और ये मैंने इसमें इस तरह से डाल दिया। और जीरा राई और हींग इसके अंदर डाल दो, अगर लहसुन भी डाल सकते हो और पिसा हुआ धनिया भी, हरे पत्ते धनिया के कैसे भी डाल सकते हो। ये मैंने इसमें अंदर डाल दिया, और नमक, अब ये जितनी फूलनी थी फूल गई, तो ये हमारा रायता तैयार है। आप इस तरह से बनाकर खाए और मुझे बताएं कि आपका आपको ये मेरा रायता कैसा लगा। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, तो मैंने ये आपको अपना रायता दिखाया, और आप बनाओ और खाओ। चलिए फिर मिलती हूँ मैं।